हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ नवरात्रि के लिए, और यहाँ पे मैंने मतलब अपने किचन की डीप क्लीनिंग की है, तो आज मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने जो हमारे नीचे के ड्रॉर्स होते हैं, हम वो साफ़ कर रहे थे किचन में। बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने फालतू के सामान निकाले थे, कचरे जो भी थे, डब्बे वगैरह, तो वहाँ नीचे का मैंने क्लीन कर लिया है। मैं आपको अभी दिखाऊँगी। और मैंने अपनी फ्रिज भी क्लीन की है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया। फटाफट बहुत ही कम समय में आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और वही सब था, नवरात्रि आने वाली है और मुझे जाना है मेरी मम्मी के घर भी, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम मतलब पहले ही, वन वीक पहले ही ये सब क्लीनिंग कर ली। तो वही सब था, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यार यहाँ पे मैं मेरे साइड में जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखते हैं वहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टाइट होता है, हम डीमार्ट से बड़ा वाला टाइट ही लेते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, हम साइड में वही रखते हैं, तो हमने वहाँ पर भी क्लीन कर दिया पूछ के अच्छे से। यहाँ पर मैं अपने ड्रॉर को क्लीनिंग करने जा रही थी, जो कि यहाँ पर हमारे मतलब जितने भी प्लास्टिक आइटम हैं, और भी जो डिनर सेट वगैरह, जूसर, ये सब जितने भी मेरे यहाँ से मतलब मुझे जो सब सामान मिले थे, हमने सब ऐसे ही पैक में, कुछ कप वगैरह हैं जो न्यू हैं, और कुछ मुझे गिफ्ट मिले थे, वो सब आइडल इधर ही रखा था। तो ये मतलब डेली तो यार यूज़ नहीं होता और साफ़ नहीं होता, तो जब हम इकट्ठे दिवाली नवरात्रि ये सब की सफाई करते तब ये सब खुलता और साफ़ होता। तो यहाँ पे मैं वही क्लीनिंग कर रही थी, और डुगू बार बार परेशान कर रहा था देखने के लिए, उसको मज़ा आ रहा था। ये है सीट, इसमें से हमने 3-4 यूज़ कर लिया, बॉटल नमक रखने के लिए 3-4 ही बचे थे, और ये हमारे माइक्रोवेव ओवन का था, वो सेट हमने निकाल लिया था, तो ये भी मैं निकाल के रख रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आइटम सब निकले, और ये सब हम अच्छे से अभी हम पूरा निकाल के अच्छे से क्लीन कर देंगे। और मैं सॉरी गाइस, आपको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाई हूँ, बिकॉज़ कैमरा पकड़ने के लिए कोई था नहीं, और हम अच्छे से स्टैंड सेट नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से मैंने एकदम अच्छे से नहीं दिखा पाया मैंने कैसे क्लीन किया है। और ये है हमारा कुकर नॉन स्टिक का, ये भी रखा, क्योंकि अभी हम एक यूज़ कर रहे, तो अभी हमने ये नहीं यूज़ किया, और ये हमारी मेरी शादी में मिला था, तब से मैंने रखा है, अभी हम यूज़ करेंगे जब वो वाला हमारा ख़राब हो जाएगा तब। और यहाँ पे ये है डिनर सेट, ये भी हमें हमारे यहाँ से ही मिला था, ये अभी हमने दिवाली में निकाला था, यूज़ किया था, फिर अभी हम इसको इसमें ही रख देंगे, क्योंकि इसमें सेफ़ रहता है, ख़राब होने का डर नहीं रहता है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से सब क्लीन करके पोंछ दिया अच्छे से साबुन लगा के, और अब यहाँ पे मैं अपने ड्रॉअर जो ऊपर के थे वो सबको मैं अच्छे से साबुन लगा के, और जो लोखन का काता आता है उसकी हेल्प से मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। और यार मेन तो मतलब यही होता है, जब भी दिवाली नवरात्रि ये सब आती है तो इसमें ही अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, मतलब डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो वो सब करके मैं एक गीले कपड़े से फिर और सूखे कपड़े से मैं अच्छे से पोंछ रही थी, और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो यही सब था, और अब मैं आगे लगा देती हूँ म्यूज़िक, आप लोग इन्जॉय करो और आप लोग देखते रहो मैंने कैसे साफ़ सफाई की है। तो
बस यहाँ पे हमारा एक साइड का पूरा क्लीन हो गया था। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी मैंने सब अच्छे तरीके से पोंछ दिया था। वैसे ये सब क्लीनिंग तो मतलब बीच बीच में होती रहती है, बट जो अंदर की बहुत ज़्यादा वाली होती है वो नहीं होती है, कभी कभी होती है वो। तो यहाँ पे हम जहाँ ऑयल वगैरह रखते वो सब अच्छे से पेपर चेंज कर दिया। ये सब भी साफ़ होते रहता है। यहाँ पर हमारा आटा चावल दाल रहते हैं, यहाँ पर वेफर्स बिस्किट, और ये वाला सेक्शन अभी मुझे क्लीन करना है तो मैंने आपको दिखा दिया। बस ऐसे अभी उसको हमें सेट करना है। और यहाँ पे नीचे भी मैंने सेट कर दी। यहाँ पे हमारे सारे अचार और सिरका रखा जाता है ऊपर वाले में, और नीचे दाल और जो ज़्यादा होता है और ऑयल का कैन रहता है। और यहाँ पे आलू कांदा और एक साइड आटा और ऊपर घी शक्कर ये सब रखे जाते हैं। तो वो सब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, जैसे कि मेरे सारे कांच के बर्तन हैं और जो कुकर वो सब डिनर सेट ये सब था। और यहाँ पे मैं नीचे भी इधर भी पूछ रही थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब भी हम कुछ बनाते हैं सब वो सब के छींटे यहाँ पे पड़ जाते हैं, तो मैं वही सब खाते की हेल्प से अच्छे से उसको साफ़ कर रही थी। और बाद में बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया था। और मेरे से मतलब गलती ये हो गई, मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं पाई। और यहाँ पर इसके बाद मैं लग गई थी अपना फ्रिज क्लीन करने में। और फ्रिज भी मतलब यार हम बीच बीच में क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है पता है, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो ऑयली होता है ना, तो उसकी वजह से पूरा फ्रिज पे मतलब चिकट सा जम जाता है। लेकिन फिर भी हम बीच बीच में पोंछते रहते तो वो चीज़ें हमें फ़िलहाल नहीं झेलनी पड़ती है। अगर आप भी ऐसा नहीं करते तो आप भी करो उस, फिर भी आप देख सकते हैं ज़्यादा कचरा तो आपको नहीं दिखेगा, बट थोड़ा बहुत तो फिर भी रह ही जाता है। और यहाँ पे मैंने उसमें रखा था अपने जो मैं एक पॉलीथीन पैक करने के लिए डीमार्ट से लेके आई थी, क्लिप है, जब भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो थोड़ा बच जाती है तो आप उससे पैक कर सकते हो। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से सब अब क्लीन कर लूँगी। और आप भी ऐसे बीच बीच में अगर करते रहोगे तो जब भी आपको ज़्यादा सफाई करनी होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और अब बारी आ गई थी फ्रिज के अंदर की साफ़ सफाई की। और आप मेरा फ्रिज देख सकते हो मतलब कितने गंदे तरीके से फुल है। और हमारे यहाँ पे क्या है ना यार, मतलब हर एक चीज़ फ्रिज में रखी जाती है। मीन्स मसाले तो रखते ही हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, बेसन हो गया, शेंगदाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखना, छोटी मोटी चीज़ें सब फ्रिज में ही रखते, बिकॉज़ ऐसा डर रहता है कि मतलब चीज़ें ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से सब चीज़ फ्रिज में रहता है। तो हमारी फ्रिज बहुत फुल रहती है और आपको छोटे छोटे पॉलीथीन बहुत देखने को मिलेंगे। तो बस आज मैं वो सब चीज़ को एक साइड अच्छे से रखूँगी, तो आप भी देखना। और ये है सेवई, जो कि हमारे यहाँ इधर भी सेवई भी फ्रिज में रखते हैं। और आप देख के आप भी सीख सकते हो कि मतलब कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अब यहाँ पे मैं सारे अपने पहले जो भी उसमें से सामान है सब बाहर निकाल के रख लूँगी। और ये यहाँ पे मतलब कुछ तो गांव में चूनी बोलते हैं, जिसकी रोटी बनती है दाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो वही था हम फ्रिज में रखे थे ताकि ख़राब ना हो। कभी कभी बीच में जब मन होता है तो बन जाता है। और ये आइस ट्रे में मतलब मसाले रखे गए थे, तो वो सब पहले तो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसको मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, साबुन से अच्छे से धुल लूँगी, काफ़ी टाइम के बाद मतलब साफ़ हो रहा है तो अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसके बाद मैं सारे मसाले जो भी कुछ फ्रिज में है पूरा पहले खाली कर दूँगी, इसके बाद मैं क्लीन करूँगी। अब मैं आगे लगाती हूँ म्यूज़िक और आप इन्जॉय करो, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना।
तो आपने देख ही लिया कि मैंने किस तरीके से अपना फ्रीज और मैंने अपने किचन की क्लीनिंग की। अभी हमारे ऊपर की जो जो मतलब ऊपर की टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग वो करना बाकी, वो हम बाद में करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी पूरी फ्रीज क्लीन हो चुकी है। आप बताना कैसी लग रही है, आफ्टर बिफोर आपको देखने में पता चल ही जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने अपने फ्रिज को कैसे क्लीन किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।